किचन में 7 महीने की गर्भवती अनामिका खाना पका रही होती है। ये कैसी जिंदगी है, जब से सो के उठती हूँ और जब तक मैं सोने नहीं जाती हूँ मैं बस किचन में ही रहती हूँ। एक तरफ आलसी सासू माँ शारदा और दूसरी तरफ पति रमेश, दोनों मिलके ये ले आओ वो ले आओ कह कह के मेरी जान ले ले रहे। पता नहीं अब मैं क्या करूं। तभी अचानक से कॉलिंग बेल बज उठता है। हाथ में छलनी लेकर अनामिका हॉल में जाती है। देखती है सोफे पे बैठी हुई है और टीवी देख रही है हाथ में एक गाजर लेके। हाथ में सासू माँ के गाजर देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। माँ जी, कॉलिंग बेल जो बजे जा रहा है, एक बार टीवी ऑफ करके आप जाके देख नहीं सकती क्या? मुझे नहीं देखना बहू, इसीलिए नहीं गई। हाथ में गाजर है, उसे साइड में रखना है, फिर सोफे से उठ के दरवाजे तक चल के जाना है, फिर देखना है कि कौन है। हाय भगवान, ये सब नहीं होगा। अचानक से इतना काम मुझसे नहीं हो पाता है। अब तुम जब आ ही गई हो तो जाके एक बार देख लो, जाओ। आपके बारे में जानने के बावजूद देखिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस छलनी से ना मुझे मन कर रहा है कि मैं खुद को मारूं। फिर इस काम में देर क्यों कर रही हो बहू? ये सब बात हो ही रही थी तभी अचानक से कॉलिंग बेल फिर से बजता है। अब चूंकि और कोई चारा नहीं था इसलिए अनामिका अपना हाथ का छलनी लेकर सीधा दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोलती है। देखती है दरवाजे के सामने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर और हाथ में बर्तन लेके मल्लिका खड़ी है। खाना पका रही थी भाभी। हाँ मल्लिका, अब बताओ तुम किस लिए आई थी? भाभी आप क्या पका रही हैं? इस तरह से मल्लिका के पूछने पर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो कहती है, मैं दाल पीस रही हूँ, तुम अगर आओगी ना तो तुम्हें भी पीस दूंगी, आओगी क्या? ये सब बातें सुन के मल्लिका डर जाती है। वो जो बर्तन अपने साथ लेकर आई थी उसे वहीं पे छोड़ के वहाँ से वो भागते हुए निकल जाती है। मल्लिका को डांट फटकार लगाती है और फिर अनामिका किचन में चली जाती है। उधर किचन में अनामिका जो पकवान पका रही थी वो जल के राख हो चुके थे और उससे धुआं निकल रहा था। अनामिका पहले गैस ऑफ करती है फिर खांसते खांसते आंगन में जाती है। उधर आंगन में फूलों के बगीचे के बीचों बीच रमेश खटिया लगाकर सो रहे थे। रमेश को इस तरह से सोते देख अनामिका का तन बदन में मानो की आग लग जाती है और उसे रमेश के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका लगता बारिश होगी, एक छतरी लाके मेरे ऊपर रखो, मैं थोड़ा सा सो रहा हूँ। इस तरह से वो कह ही रहा था तभी शारदा घर के अंदर से, बहू यहाँ गाजर खत्म हो गए हैं, कुछ खाने के लिए ले आओ, अब मैं उठ के जा नहीं सकती। नहीं नहीं, इस तरह वो जोर से चिल्ला के कहती है। सुन के अनामिका को लगता है कि वो पागल हो जाएगी। हे भगवान, और कुछ देर अगर मैं यहाँ पे रह गई तो सच में पागल हो जाऊंगी, जल्दी से मुझे यहाँ से कहीं भाग के जाना ही होगा। अनामिका खाना खाने के लिए कुछ ले आओ। शारदा जब दोबारा चिल्लाकर इस तरह से कहती है फिर अनामिका देर ना करते हुए घर से निकल जाती है और सीधा वहाँ से मंदिर के तरफ चली जाती है। वहाँ मंदिर में जाके देवी माँ को प्रणाम करती है। उसके बाद पंडित जी से वो आरती लेती है। फिर मंदिर के प्रांगण में ही एक सीमेंट बेंच के ऊपर जाकर वो दुखी होकर बैठ जाती है। ये सब देख के तो लग रहा है कि ये आलसी माँ बेटे का तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मैं जहाँ से आई थी मैं वहाँ पे वापस जरूर जा सकती हूँ। मैं अनाथ आश्रम में जाके बच्चों के साथ खुशी खुशी रहूंगी। इस हालत में मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं अकाउंटेंट का काम कर लूंगी। वैसे भी आलसी सासू माँ और उनका बेटा किसी भी कीमत पर वो मेरे ख्याल तो नहीं रखने वाले हैं, बेहतर होगा अगर मैं अनाथ आश्रम ही चली जाऊं। इस तरह वो सोच ही रही थी तभी वहाँ पे उसके ससुर जी प्रसाद आते हैं। शुक्र है, मैं सोच रहा था कि तुम अचानक से कहाँ चली गई, आओ चलो अच्छा है। बस पिताजी, मैं किसी भी तरह जिंदा हूँ और इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरे कोख में एक संतान जन्म लेने वाला है और कोई चारा भी तो नहीं। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, पर आप कुछ कर नहीं सकते है ना, एक समझदार सासू माँ और दूसरे समझदार पति, एक आराम से सोफे पर दिन रात बैठी रहती है और दूसरा बगीचे में सोए रहते हैं और दिन ऐसे ही गुजर रहे हैं। अभी मैं पूर्ण रूप से गर्भवती हूँ, सासू माँ सोचती नहीं है कि थोड़ा मदद कर दे, पति भी कभी साथ नहीं देते हैं, बताइए मैं क्या करूँ।
तुम्हारी माँ जैसे सास होने के बावजूद वो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझती, पर मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पिता के तरह देखभाल करूँगा। पिताजी, मैं माँ बनने वाली हूँ, अभी पूर्ण रूप से गर्भवती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती। इतना मत सोचो, इतना सोचना तुम्हारे पेट के अंदर के बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। जब मैं अनाथ आश्रम में थी, बच्चों का अच्छे से देखभाल कर लेती थी और मैं अकाउंटेंट की नौकरी भी करती थी। उस तनख्वाह में मेरी खुशी खुशी जिंदगी कट रही थी। पता नहीं आप क्यों यहाँ पे लाके मेरी शादी करवा दिए। अनामिका दुखी होकर ये सवाल पूछती है। प्रसाद बिना जवाब दिए चुपचाप खड़े रहते हैं। आपने कहा शादी और फिर यहाँ ले आए, उसके बाद आपने मेरा गोद भराई भी की, पर मैं ये आलसी सास और पति से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इस बात की आशा भी नहीं है कि ये दोनों कभी बदल भी पाएंगे। इस तरह दुखी मत हो, समय तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सभी को वो सही सबक भी सिखाएगा। कब पिताजी, जब मैं मर जाऊंगी तब? वो रो रही थी, तभी उसी वक्त एक महर्षि वहाँ पे आते हैं। बेटा, इस परिस्थिति में तुम्हारा रोना अच्छी बात नहीं है। जो भी समस्या है मुझे बताओ, मैं उसका समाधान दूंगा। इस तरह मत रो। इस तरह से कहने पर अनामिका और प्रसाद दोनों महर्षि को देखकर प्रणाम करते हैं। बताओ बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? आलसीपन की वजह से मेरी सासू माँ दिन भर बस सोफे पे बैठी रहती है और अपना बकवास सीरियल देखती है और पूरा दिन दांत निकाल के हंसती रहती है और वही सोफे पे बैठे बैठे खाती है और पीते रहती है। अच्छा, तो ये समस्या तुम्हारी आलसी सासू माँ को लेकर है? सिर्फ सासू माँ नहीं गुरुजी, ऐसा कि मेरे पति भी, वो भी इतने आलसी है कि बगीचे में बिस्तर लगा के दिन रात वही सोते हैं। किसी भी महिला को ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े जहाँ सास और पति दोनों ही बहुत आलसी है और ससुर जैसे पिताजी आपको मदद कर रहे हैं, पर वो भी आपको कब तक मदद कर पाएंगे? ये तो आप लोगों को देखकर ही मुझे समझ में आ गया। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारे सास और पति को सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर गर्भवती अनामिका और ससुर जी प्रसाद बहुत खुश होते हैं। फिर महर्षि को वो साथ लेकर घर जाते हैं। उधर घर में सोफे पे बैठकर शारदा और रमेश दोनों ही बड़े मजे से टीवी देख रहे होते हैं। बहू, ये महर्षि हमारे घर क्यों आए हैं? मैं तुम और तुम्हारे बेटे को भाग्यशाली देवी देने के लिए आया हूँ। बैठकर खाने पे वो सोना पिघलेगा नहीं और वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगी। इतना कहकर महर्षि अपना हाथ आगे करते हैं। उनके हाथ से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिरते हैं। देखकर शारदा और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों महर्षि के पास आते हैं। बताइए महर्षि, हमें क्या करना होगा? आप दोनों को अपनी गर्भवती बहू का देखभाल करना होगा, फिर ये सोना आपका हमेशा के लिए होगा। अरे नहीं नहीं, ये नहीं होगा। इस तरह कहते ही तुरंत सोना पत्थर में बदल जाता है। रमेश और शारदा आश्चर्य हो जाते हैं। अगर आप लोग दोनों अपनी गर्भवती बहू की मदद करते हैं तभी जाके ये पत्थर फिर से सोने में बदलेगा, नहीं तो आप लोगों की जान भी जा सकती है, याद रखिएगा। इतना कहकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन से रमेश और शारदा गर्भवती अनामिका का अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। उसके कदम जमीन पे पड़ने नहीं देते। वो स्वादिष्ट खाना बनाने लगे, समय समय पे दवाइयाँ देने लगे और साथ ही विश्राम भी। कुछ ही दिनों बाद अनामिका एक स्वस्थ कन्या संतान को जन्म देती है। देखकर शारदा रमेश बहुत खुश होते हैं। उस बच्ची के साथ शारदा रमेश खुशी खुशी खेलते हैं। इस तरह कुछ दिन निकल जाता है। अब धीरे धीरे शारदा और रमेश आलसीपन को भूल जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से वो महर्षि उनके घर पे आते हैं। उन्हें देखकर रमेश और शारदा को सोना पत्थर में बदल गया था वो याद आ जाती है। बेटा, तुम लोग कैसे हो? महर्षि जी, आइए आइए बैठिए। नहीं नहीं बेटा, मैं हिमालय जा रहा हूँ, जाने से पहले सोचा कि एक बार मिल लूं। आपने जैसा कहा हमने वैसे ही किया, पर ये पत्थर सोने में नहीं बदला महर्षि जी, अब हम क्या करें? देखो कैसे सोने में बदल गया है और मुस्कुरा रहा है। इतना कहकर वो बच्ची की मुस्कुराहट को दिखाते हैं, पर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है।
वो बच्ची को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तुम लोगों से आलसीपन दूर हो गया है। तुम लोगों ने गर्भवती बहू की बहुत सेवा की, इसलिए ये बच्ची सौभाग्य की देवी बनकर इस घर में आई है। ये आपके घर को खुशियों से भर देगी, है कि नहीं? उनके इस तरह से पूछने पर शारदा और रमेश को हिम्मत नहीं होती है कि वो ना कह दे, इसीलिए वो दोनों चुप रह जाते हैं। तुम लोगों ने इस बच्ची को भाग्य देवी के रूप में स्वीकार किया है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अब से इस बेटी का अच्छे से ख्याल रखो, सिर्फ तुम्हारे ही घर में नहीं, जिस घर में बेटी जन्म लेकर आएगी वो घर किस्मत और खुशी से भर जाएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कह के महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। शारदा और रमेश को लगता है कि महर्षि ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। उस दिन से वो उस छोटी बच्ची का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। आप भी मानते हैं कि नहीं, कन्या संतान के जन्म के बाद घर में खुशियाँ आती है? अपनी राय कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। किराना दुकान पे बैठे ससुर जी प्रसाद के पास बहू अनामिका आती है। क्या हुआ बहू यहाँ पे? रंगोली कंपटीशन होने वाला पिताजी, मुझे 5 kg रंग और 500 रुपए के कलर चौक पीसेस चाहिए, मुझे जरा दे दीजिए ना। भले ही मैं दुकान में बैठता हूँ बहू, पर ये मत भूल जाना कि ये दुकान तुम्हारी कंजूस सासू माँ ही चलाती है। कुछ समझी नहीं पिताजी। जैसे ही वहाँ पे रंगोली कंपटीशन का अनाउंसमेंट हुआ, तुम्हारी कंजूस सासू माँ जितने रंग थे, चौक पीसेस थे, यहाँ से सब हटा दी। इसका मतलब मैं रंगोली कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती हूँ पिताजी? वो तो नहीं पता बेटा, अगर सासू माँ ने हाँ कह दिया तो हाँ है, और अगर ना कह दिया तो उनके मुताबिक ना ही है। अगर मैं उनसे पूछने गई तो एक बार वो सर सीधा हिलाएंगी और एक बार टेढ़ा हिलाएंगी, मतलब पूछने पर दीवार पर टंगा हुआ एक बोर्ड दिखाएंगी जहाँ लिखा होगा कि आज वो मौन धर्म में है, कुछ बात नहीं करेंगी। अब तुम्हारी कंजूस सासू माँ ऐसी है, चाहे मैं उनसे कितना भी पूछ लूँ ना वो मुझे रंगोली देंगी और ना ही वो मुझे चौक पीसेस देंगी, पैसे भी नहीं देंगी, आप ही कम से कम 1000 रुपए दीजिए। अनामिका के इस तरह से कहने पर प्रसाद पीछे मुड़ जाते हैं और अपनी फटी शर्ट दिखाते हैं। बहू ये देखो, फिर कुछ कहो। हाँ, इस तरह से कहने पर अनामिका उनकी फटी शर्ट देखती है और फिर वो आश्चर्य हो जाती है। तो क्या पिताजी अभी तक आप नई शर्ट नहीं खरीदे? कहा बहू, मैंने शारदा से कहा जरा मुझे 1000 रुपए दो, मेरी शर्ट फट गई है। तो शारदा ने देखकर कहा शर्ट तो पीछे से फटी है, वैसे तो दिखेगा नहीं, अगर दिखा तो फैशन लगेगा। वैसे भी आप दुकान में ही हैं, सामने से अच्छा ही दिख रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कहकर वो चली गई। इसका मतलब सासू माँ की कंजूसी उनके अंदर इस तरह से बसा है कि वो कभी नहीं जाने वाला। हाँ बहू, वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, पर कभी अगर तुम्हें हिम्मत की जरूरत है तो कहना, वही मेरे पास है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इतना कहकर अनामिका वहाँ से बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है अपने पति जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क के तौर पे काम करते थे उनके पास। आज मुझे कैसे भी करके मेरे पति से पैसे मांगने होंगे और उन पैसों से रंगोली का पाउडर और कुछ चौक पीसेस खरीदने होंगे ताकि मैं कॉम्पिटिशन में भाग ले सकूँ। इस तरह से सोच कर अनामिका जल्दी जल्दी से आगे चल के जाने लगती है। लेकिन बेचारी अनामिका को ये पता ही नहीं था कि जब रंगोली कंपटीशन के बारे में अनाउंसमेंट किया था और शारदा को इस बारे में पता चला था, तो एक तरफ अपने पति प्रसाद और दूसरे तरफ बेटा रमेश जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में काम करता था, दोनों को जाकर अच्छे से वार्निंग दे आई थी और आकर आराम से घर पे सोफे पे बैठकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रंगोली पागल बहू, अब तुम अपने पति रमेश के ऑफिस की तरफ जा रही होगी। जब मैंने कहा रंगोली कंपटीशन में भाग लेने की जरूरत नहीं तो ससुर जी के पास गई, वहाँ पैसे मिले नहीं, अब जब पैसे नहीं मिले तो पति के पास जा रही होगी। तुम्हें लग रहा है कि वहाँ जाने पे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ भी नहीं मिलेगा। इस तरह सोचकर वो खुश हो रही होती है। उधर तभी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रमेश का फोन बजने लगता है। कहिए पिताजी। बेटा रमेश, बहू वहाँ गई है क्या? अभी तक तो नहीं पिताजी, उसने आपसे कुछ कहा क्या? हाँ बेटा, अभी अभी वो यहाँ आई थी, रंगोली के लिए रंग और चौक पीसेस वो मांग रही थी। मैंने उसे कहा कि नहीं है तो पैसे मांगने लगी,
वो भी नहीं है बोल के फटी हुई शर्ट दिखाई। अच्छा किया आपने पिताजी, आपकी फटी हुई शर्ट देखकर अनामिका ने क्या कहा? वो बिना कुछ कहे चुपचाप यहाँ से चली गई। लगता है जब यहाँ नहीं मिला वो जरूर तुम्हारे पास आएगी। तुम जरा ध्यान रखना, अगर तुम अपनी कंजूस माँ की बातों का मर्यादा नहीं किया फिर तो हो गया। अभी हमें दो वक्त का खाना मिलता है, बाद में बस हमें एक ही वक्त का खाना मिलेगा। ये तो सबसे भयानक बात है पिताजी, अगर हम दोनों में से किसी ने भी एक बार के लिए गलती कर दी फिर सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बहू आएगी तो संभल के रहना, बहू के बातों में आकर अगर पिघल गए और तुम पैसे दे दिए फिर जान लो दोनों को एक ही बार खाना मिलेगा। प्रशांत और रमेश बात कर ही रहे थे तब तक वहाँ अनामिका आ जाती है। ऐसे बात करता है ताकि अनामिका को पता ना चले कि फोन पर प्रशांत है। सर मेरे घर से मेरी पत्नी अनामिका आई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इस तरह से रमेश अपने पिताजी को हिंट देते हुए अपने फोन को रख देता है। तब तक अनामिका रमेश के सामने वाली खाली कुर्सी में आकर बैठती है। गांव में रंगोली कंपटीशन होने वाला है और मेरी कंजूस सासू माँ दुकान से सारे रंगोली के रंग चौक पीसेस वो गायब कर दी है। मेरी माँ कोई जादू टोना तो नहीं जानती है, पर हाँ मेरी माँ कंजूस तो बहुत है, पैसे बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। अब चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी मुझे 1000 रुपए लगेंगे, निकालिए जरा। क्या कहा, 1000 रुपए? इतने रुपए लेकर तुम आखिर में करोगी क्या? रमेश इस तरह से आश्चर्य होकर पूछता है तो अनामिका मजाक करते हुए कहती है, मेरे पति जी मैंने आपसे 10000 रुपए नहीं मांगे हैं, बस आपसे 1000 रुपए मांगे हैं। 1000 रुपए? अभी फिलहाल के लिए 1000 रुपए भी मुझे 10000 के समान लग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे तो अभी नहीं है, और अगर तुम अभी जाओगी तो काम में मैं मन लगाऊंगा। पत्नी इतनी उत्साहित होकर बस आपसे 1000 रुपए मांग रही है, वो भी आप नहीं दे सकते, अब कैसे पति हैं? इस तरह से कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। रमेश जल्दी से अपनी माँ शारदा को फोन लगाता है। माँ आपने जैसा कहा था, अनामिका पैसे मांगने आई थी पर मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अब आप मुझे और पिताजी को दो वक्त खाना देंगी ना? मिलेगा बेटा, जैसा मैंने कहा था तुमने और तुम्हारे पिताजी ने वैसे ही किया है, इसीलिए तुम दोनों को दो वक्त खाना जरूर मिलेगा। इस तरह कहकर शारदा अपना फोन रख देती है। उधर एक पेड़ के नीचे बैठकर अनामिका सोचने लगती है, मेरी कंजूस सास की वजह से मेरे पति और मेरे ससुर जी मुझे मदद नहीं किए, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। ऐसा क्या है जिसके लिए सासू माँ के सामने मैं हार जाऊं? कंजूस सासू माँ के साथ रंगोली कंपटीशन? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल जच नहीं रहा है। अगर मेरे होते हुए ऐसा हो तो फिर मेरे सारे फैन दुखी हो जाएंगे। मुझे कुछ बिजली की तरह सोचना होगा ताकि वो पैसे खर्च करे और प्रतियोगिता में मैं भाग लूं। इस तरह अनामिका काफी देर तक सोचती रहती है, फिर उसे अचानक से एक बहुत अच्छी तरकीब आती है। देर ना करते हुए अनामिका जल्दी से उस पेड़ के सामने से उठकर जाने लगती है। वहाँ से वो रंगोली कंपटीशन की जज अपर्णा देवी के पास जाती है। बताओ अनामिका, तुम यहाँ पे आई हो, जरूर तुम्हारी कंजूस सासू माँ नहीं जानती होगी। हाँ मैडम, मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, पर मेरी कंजूस सासू माँ ना मुझे रंग दे रही है, ना चौक पीसेस दे रही है, और ना ही मुझे पैसे दे रही है रंगोली बनाने के लिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगी अनामिका, जाओ जितना रंगोली चाहिए लेकर आओ, जितने चौक पीसेस चाहिए लेकर आओ, तुम यहाँ पे रंगोली में पार्टिसिपेट करो और जीत के दिखाओ। आप क्यों देंगी मैडम, मेरी कंजूस सासू माँ को देना चाहिए, उन्हें खुद आकर रंगोली चौक पीसेस खरीद के मेरे हाथों में देना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए ये लो रंगोली, जाओ बहू कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। इसके लिए मैं क्या करूँ अनामिका? इस तरह से अनामिका अपर्णा देवी को पूरी बात एक एक करके खुल के बताती है। फिर अनामिका अपर्णा देवी को बताती है उन्हें क्या करना है। अपर्णा देवी को अच्छा लगता है और फिर वो सीधा शारदा के घर में जाती है। क्या बात है अपर्णा देवी, आप हमारे घर में? असल में रंगोली कंपटीशन में जो जीतेगा उसके लिए प्रथम पुरस्कार में हम 10000 रुपए रखे हैं। चूंकि अनामिका बहुत अच्छा रंगोली बनाती है इसीलिए हम चाहते हैं कि अनामिका इसमें भाग ले। इस तरह से कहने पे कंजूस सासू माँ शारदा 10000 का नाम सुनके उत्साहित हो जाती है। अपर्णा देवी की बातों पर वो मंजूरी दे देती है। फिर अपर्णा देवी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद
अनामिका घर लौट आती है, ऐसा मानो कि उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। शारदा एक हाथ में रंगोली का रंग और दूसरे हाथ में चौक पीसेस लेकर खड़ी थी। ये लो बहू, ये रंगोली का रंग और चौक पीसेस, जाओ रंगोली बनाओ। मुझे इंटरेस्ट नहीं है माँ जी। ऐसा कहोगी तो नहीं मानूंगी। जाओ जाके रंगोली बनाओ, अच्छे से बनाना ताकि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतो। इस तरह कहने पे अनामिका रंग और चौक पीसेस ले लेती है। अगले दिन ही रंगोली कॉम्पिटिशन था। अनामिका एक बड़ा सा और खूबसूरत सा रंगोली बनाती है। अपर्णा देवी वो देखती है और देखते ही अनामिका को विनर घोषित कर देती है। अनामिका विनर बनने पे सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसी के साथ शारदा को लगने लगता है 10,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप जो मिलने वाला है वो शारदा को दिया जाएगा, इसीलिए वो स्टेज पे चढ़ जाती है। तभी अपर्णा देवी उनके हाथ में चॉकलेट देते हुए कहती हैं, 10,000 रुपए पुरस्कार में देने की बात तो सिर्फ नाटक था। ये सुनकर शारदा तो अपर्णा देवी को आश्चर्य होकर देखने लगती है। अनामिका मन ही मन मुस्कुराती है। अब आपको कैसा लगा माँ जी? इस तरह हंसी हंसी में अनामिका सासू माँ से कहती है। इस तरह से अनामिका ने अपनी अकल लगाई और अपनी कंजूस सासू माँ को बुद्धू बनाकर रंगोली प्रतियोगिता में भाग ली।